ये बीमारी आपके पोल्ट्री फार्म पे आता है तो डेली 3-4 पोल्ट्री मर जाता है और ये बीमारी लगभग हर एक फार्म में आ ही जाता है। और इस बीमारी का नाम है गम्बूरा, यानी सभी लोग इसको सफेद बीट से पहचानते हैं, जिसमें पोल्ट्रिया शरीर को फुला के बैठा रहता है और उसके साथ साथ पोल्ट्रिया सफेद बीट भी करता है, जिसके कारण आप लोगों को पता चल जाता है कि इसमें गम्बूरा आया है। और इस गर्मियों के मौसम में गम्बूरा आने का चांस बहुत ही ज्यादा है और मैं इस वीडियो के अंदर 2 मिनट में आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी खतरनाक गम्बूरा जैसी बीमारी को आपके पोल्ट्री फार्म में आने से कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रांतुष, आप लोग देख रहे हो ब्लॉग विद फार्म यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं गम्बूरा जैसी बीमारी आता कैसे है। मान लो आप लोग जहाँ पर पोल्ट्रिया पालते हो और आपका पोल्ट्री फार्म एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हवा कम चलता हो, तब क्या होगा, आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर जितने भी गैसेस बनता है अमोनिया गैसेस, वो पोल्ट्री फार्म के अंदर ही रह जाता है। उसके बाद पोल्ट्री जब भी सांसें लेता है उसके अंदर वो गैस चला जाता है पेट में। उसके बाद आपके पोल्ट्री का कुछ फंक्शन काम नहीं करता है, उसके बाद क्या करता है, पोल्ट्री सफेद बीट छोड़ देता है और उसके बाद धीरे धीरे 1-2-3 करके पोल्ट्री मरता रहता है। और अभी मैं उस बीमारी का कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। पहला, जब भी आप लोग पोल्ट्री फार्म बनाओ ऐसी जगह पे बनाओ ताकि आपके पोल्ट्री फार्म के आसपास हवा ज्यादा से ज्यादा बहता हो, ताकि जब भी आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर अमोनिया गैसेस बनता है वो हवा की जोर से चला जाए। और अभी गर्मियों का मौसम है, बारिश का टाइम है, तो क्या होता है, पोल्ट्री फार्म के अंदर जितने भी काट के गुड़े होते हैं वो भीगा रह जाता है। और अगर काट के गुड़े भीगा हो तो आप लोगों को तो पता ही है, काट के गुड़े में जो बीट का पानी होता है वो पकड़ के रखने का क्षमता जो है वो कम होता है, उसके लिए आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर अमोनिया गैसेस बन जाता है। तो आप लोग काट के गुड़े जो है वो गर्मियों के मौसम में थोड़ा ज्यादा देना होता है। और आपका बजट में है तो एक एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हो और उस फैन को आप लोग रात में चला देना, ताकि रात में जो भी अमोनिया गैसेस बनेगा वो फैन के थ्रू निकल जाए बाहर। और दिन में तो हवा चलता रहता ही है और अमोनिया गैस निकलता जाता है और फिर भी आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर अमोनिया गैसेस की बीमारी आ जाता है, यानी गम्बूरा, तब आप लोगों को मेरिकोन एचडी या बायोबूस्टर या ब्रिक ऐसे 3-4 दवा है वो आप लोग खिला सकते हो, तभी आपका पोल्ट्री फार्म के अंदर बीमारी चला जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नया तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियो पढ़ने के लिए, और एक प्यारा सा जरूर कमेंट कर देना। और आपके पोल्ट्री फार्म में बहुत ही ज्यादा मक्खी हो रखा है तो आप लोगों को क्या करना है, ये वाला वीडियो देख लो, आप लोगों को पूरा सॉल्व हो जाएगा मैंने किस तरह से मक्खी को मारा हुआ है, देख सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।